हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग, लेटरिंग। ये होता क्या है, कोई भी आप ड्राइंग में आप देखेंगे वहां पे उस ड्राइंग का टाइटल लिखा हुआ होता है, उस ड्राइंग के बारे में पर्टिकुलर नोट्स लिखा हुआ रहता है, या और कोई पर्टिकुलर थीम स्पेसिफाई की गई होती है। इन चीजों को लिखने के लिए आप अल्फाबेट का उपयोग करते हैं, तो उसका भी एक नॉर्म्स होता है। उसको एक सिंपली हम लोग नहीं लिख सकते, उसका एक नॉर्म्स होता है, उसी के हिसाब से लिखना रहता है, उसका कुछ रूल्स है, तो उसी का आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है हर बार, तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है ये जो होता है, और इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, कोई भी चीज अगर हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं, इस तरीके से दो लाइन के बीच में ड्राइंग में, मतलब टोटल हम लोग 3 खंड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या क्या चीज जरूरी है। जैसे लिख दिया ENG, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 3 ही लेटर में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, आपको लिखने के लिए आता है कि सिंगल स्ट्रोक, कैपिटल लेटर, वर्टिकल लाइन, 3 शब्दों का उपयोग होता है। और फिर ये कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सारे चीज को मैं एक एक करके आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। लेटर राइटिंग में मेनली 3 शब्दों का उपयोग किया रहेगा। पहला रहेगा, सब में लिखा रहेगा सिंगल स्ट्रोक। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूंगा, सिंगल स्ट्रोक, कैपिटल लेटर, कैपिटल, और रहेगा वर्टिकल, वर्टिकल, और इसी में ये बस चेंज हो सकता है, या तो रहेगा इंक्लाइंड। सिंपल आपको क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्ड को सिंगल स्ट्रोक, कैपिटल लेटर, वर्टिकल, लेटर राइटिंग में ये वर्ड को लिखना है, ये 3 शब्दों का उपयोग किया जा रहेगा, जिसका कि हाइट दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर हाइट बस दे दिया रहेगा, हाइट दे दिया रहेगा, जैसे 12 mm, 12 mm के हाइट में, जैसे इस शब्द में ले लिया ENG को, ENG को 12 mm के हाइट में सिंगल स्ट्रोक, कैपिटल, वर्टिकल लेटर में लिखना है, सिंगल स्ट्रोक, कैपिटल, वर्टिकल लेटर में लिखना है, जो लेटर लेटरिंग होगा, जो हम लोग लेटरिंग करेंगे उसमें। तो अब करना क्या है, सिंगल स्ट्रोक का पहले मीनिंग समझ लीजिए। तो जो भी आप यहां पे लेटर लिखते हैं, उसको एक ही बार उसमें आपका हाथ चले, उसमें डबल डबल इस प्रकार से नहीं करना है, मतलब इसको डबल किए फिर ऐसे किए, इसको पता चला कि आप उसको उसकी और ज्यादा डार्क करने के लिए डबल डबल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहला ध्यान रखना है सिंगल स्ट्रोक, मतलब एक ही स्ट्रोक में लिखना है। फिर कैपिटल का मतलब आप साफ समझ पा रहे हैं कि सभी वर्ड कैपिटल में होना चाहिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो आपको जनरली क्वेश्चन आएगा वर्टिकल का, कभी कभी आता है इंक्लाइंड का। तो वर्टिकल, ये वाला जो केस मैंने यहां पे दिया है, ये वर्टिकल का है, और इसी को मान के चल इंक्लाइंड में आ जाता, तो इसको कैसे करते, देखिए इंक्लाइंड में आएगा, तो जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ में सारे लेटर को 15 डिग्री पे झुका के बनाना है, ये इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए, अगर इंक्लाइंड आ गए, ये शब्द तो कॉमन रहेगा, मैं बोला वर्टिकल आया तो ये लिखेंगे, इंक्लाइंड आया तो थोड़ा सा उसको झुका दें, तो कितने एंगल पे झुकाना है, तो यहां पर से आप इसको देखेंगे तो ये 15 डिग्री पे होता है, और इसी को अगर इस लाइन से देखेंगे, यहां पर से ये एंगल तो ये होता है आपका 75 डिग्री। तो सिंगल स्ट्रोक, कैपिटल लेटर, इंक्लाइंड में लेटर लिखिएगा, क्या आएगा, तो ये करेंगे
सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल में आएगा, ये करेंगे सिंपल, ये वर्टिकल लाइन ही रहेगा, सारे लाइन वर्टिकल होता है। तो ये तो बेसिक थिंग्स है जो आपके क्वेश्चन में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ही है, आई ही है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। तो अब इसको क्या क्या चीज जरूरी है और किसको किसको क्या क्या बोलते हैं वो समझिए। ये है आपका हाइट ऑफ द लेटर, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में हमेशा हाइट ही दिया रहेगा। ये है विड्थ, विड्थ ऑफ द लेटर, ठीक है, विड्थ यहां से यहां तक, और ये है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स, इसको बोलते हैं ए। ये जो दो लेटर है यहां से यहां तक, जैसे इसके लिए करेंगे तो ये आएगा, ये है आपका ए, ठीक है। तो इसको मैं लिखते चलता हूं, एज क्या है, हाइट ऑफ लेटर, विड्थ क्या है, विड्थ तो विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ एक जो एक एक लेटर लिखेंगे उसका विड्थ है, विड्थ ऑफ लेटर, और तीसरा है मिनिमम, कम से कम कितना, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ लेटर, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ लेटर, एक और लास्ट होता है मिनिमम, जिसका उपयोग होगा मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्ड, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्ड। जैसे यहाँ पे कुछ दे दिया था, एक दो एक वर्ड, जैसे इंजीनियरिंग मुझे लिखना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखना है, तो इंजीनियरिंग लिखूंगा, फिर उसके बाद गैप करके ड्राइंग लिखना है, तो दो के बाद मतलब इंजीनियरिंग के बाद जब ड्राइंग लिखूंगा तो इंजीनियरिंग इज डिफरेंट वर्ड एंड ड्राइंग इज डिफरेंट वर्ड, तो दो वर्ड के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे भी ड्राइंग लिखना रहता, जैसे ये पूरा मान के चलिए इंजीनियरिंग लिखा जाता और ये ड्राइंग लिखना रहता, तो दो वर्ड के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स। ये चार चीजों को ध्यान रखते हुए और ये वर्टिकल और इंक्लाइन का ध्यान रखते हुए आप कोई सभी लेटर राइटिंग कर सकते हैं। अब क्या चीज है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ हाइट दिया रहेगा, तो विड्थ का फिर क्या, तो ये हमेशा आपको नहीं दिया, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विड्थ कितना होना चाहिए, कभी कभी विड्थ दिया रहता है, नहीं दिया है तो आप इसको याद रखिए 5/6 टाइम्स ऑफ एच होता है, ये सारे डाटा याद रखिए। मतलब जैसे इसमें 12 एमएम का दिया है तो 5/6 करोगे कितना आ जाएगा, एच यहां पे रखे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 5/6 गुना 10, तो ये कितना आ जाएगा, 6×6 = 12 मतलब 10 एमएम, ठीक है। तो दो तीन टाइप का चीज उपयोग होता है जनरली, ये नहीं देखा के कई बार क्या किया जाता है, इसको एक और बता दे रहा हूं, उसका भी उपयोग किया जाता है, ये एनडी फंड के हिसाब से इस साइज को लिया जाता है, अदरवाइज 2/3 भी लिया जाता है, मतलब जो ये विड्थ होगा, विड्थ है इसको 2/3 भी लिया जाता है, मतलब इस केस में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 × 12 मतलब 3×3 = 3, 3×4 = 12, तो 4×2 = 8, ठीक है। तो ये भी लिया जाता है, लेकिन मोस्ट ज्यादातर केसेस में आपको ये लेके चलना है, वैसे गलत दोनों नहीं है क्योंकि दोनों ही इस बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया विड्थ, तीसरा चीज मैं बताया था स्पेसिंग बिटवीन दिस टू लेटर्स, टू लेटर्स के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो ये आपका होगा जो हाइट का 20% लेना है, हाइट का 20% लेना है, ठीक है, ये हाइट का 20% होगा, और ये कितना होगा, ये होगा हाइट का आपका 60%,
हाइट का ये 60% होगा। तो ये चारों चीज को ध्यान में रखते हुए बड़े आसानी से आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही रहता है, इसको ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए। अब देखिए एक सिंपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं, ये सारे डाटा के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिए। क्वेश्चन रहेगा जैसे राइट राइट थर्मल थर्मल इंजीनियरिंग इन सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल वर्टिकल कैपिटल कैपिटल लेटर ऑफ 12 mm हाइट, ऑफ 12 mm हाइट। सभी का ड्राइंग रेडी होना चाहिए, ड्राइंग बुक में ये आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ये सारे चीज आप याद रखिए। तो इसमें गिवन डाटा वगैरह ये सारे चीज कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहती, आप डायरेक्ट लाइन खींचिए, दो लाइन लाइन दो लाइन खींचेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये जो हाइट होगा वो कितना होना चाहिए, ये होगा आपका 12 mm का, ठीक है। अब ध्यान देना है, जब ऐसे करते थे, एक और ठीक है, बीच में दिखे ना इस टाइप का एकदम और हल्का से लाइन जरूर खींचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कैपिटल लेटर राइटिंग लिखते हैं तो वहां पे हमको 3 लाइन की जरूरत पड़ती है, इसका कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है। ये ना दिखे इस टाइप का लिखिए, मतलब एकदम हल्के हाथों से बीच में जरूर लाइन खींच दीजिए। अब देखिए शुरू करते हैं, तो विड्थ कितने का रहना चाहिए, तो विड्थ का आपको ध्यान देना है, विड्थ का 5/6 मतलब लगभग 10-10 mm के आसपास बोला, ये 2/3 लोगे तो लगभग 8 mm के आसपास होना चाहिए, वो जो मिनिमम उतना होना चाहिए। जैसे 8 mm को मैं ले लेता हूँ, तो 8-8 mm, 8 mm के बाद 2 mm का जो ए है, जो विड्थ है लगभग जैसे 8 mm आ गया, स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर्स हो कितना आ जाएगा, तो 2/10 × 12 है, ये कितना आ जाएगा 2.4, लगभग 2 mm से ज्यादा, और फिर ये कितना है 6/10 × 12, मतलब ये कितना आ जाएगा 12×72.2 mm, दिस आर वैल्यूज आर इन mm। अब देखिए विड्थ के लिए मैं क्या करूंगा, 8 के बाद फिर ये 2.5 का, फिर 8, फिर ये 2.5, फिर 8, फिर ये 2.5, फिर 8, फिर ये 2.5, इस प्रकार से इस तरीके से ये जाने लग जाएगा। अब इसमें लिखेंगे कैसे, तो ये मुझे थर्मल लिखना, तो टी इस प्रकार आना चाहिए, ये देखिए ये टी पूरा इसे कवर होना चाहिए क्योंकि ये उसका विड्थ है, फिर ये गैप छोड़ के यहां पे आएगा, ये एच कुछ ज्यादा ही लंबा यहां पे हो जा रहा है, मतलब आप जब मेजरमेंट करेंगे तब आएगा,
गेंद को आप देखिएगा फिलिप बनने लग जाता है। इस प्रकार से फिर सिंगल स्ट्रोक आप लिखते रहिए। तो ये ध्यान रखिए ये जो गेप है ये ए होना चाहिए, ऐसे कुछ दिखाना नहीं है, कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखिए सब मिनिमम स्पेस है, थोड़ा सा कम ज्यादा चलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सिंपल लिखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। अब इंजीनियरिंग लिखेंगे उससे पहले, अब देखिए थर्मल एक वर्ड हो गया, इंजीनियरिंग लिखेंगे उससे पहले थोड़ा ज्यादा गेप छोड़ना पड़ेगा, और ज्यादा गेप कितने होना चाहिए, लगभग 7 सेंटीमीटर 7 mm के आसपास होना चाहिए। अब 7 mm के बाद आप इंजीनियरिंग लिखोगे तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो गया ई। गेपिंग का मेन ध्यान रखते चलिए, बाकी हर सभी को आप मेजरमेंट नहीं ले सकते, एक अंदाजा बनते चला जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये गेपिंग का ध्यान रखिए, बाकी ये बन जाता है, बाकी सब पूरा आप उसको लिखेंगे। तो ये है आपका लेटर राइटिंग, इसी को आपको वर्टिकल में आता तो ध्यान रखिए 15 डिग्री वर्टिकल के साथ या नीचे के साथ बोलोगे तो 75 डिग्री पे उसको टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आप लोग को दूंगा। थैंक यू।